और जो वाला गेट देखना है एशिया का सबसे बड़ा गेट है। जब आप बहुत ज्यादा घूम लेते हैं ना तो आपको लगती है भूख। हमारे एक लोकल मित्र थे, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ एक बहुत मशहूर गली है, तो आपको कुछ टिप दे दूं। जगह है जो हमने सीकरी देखा वो अकबर के रॉयल फैमिली के लिए था। फतेहपुर अपना नॉर्मल लोगों के लिए था, ये रिलीजियस प्लेस था, मॉस्क वगैरह बना हुआ है जिससे आराम से कोई भी लोग आ सकते थे। जिस गेट से हमने एंट्री किया है उस गेट को हम बोलते हैं शाही दरवाजा, रॉयल गेट, क्योंकि रॉयल फैमिली के लोग यूज करते थे। और जो वाला गेट देखना है एशिया का सबसे बड़ा गेट है, बुलंद दरवाजा, लोकल पब्लिक के लोग यूज करते थे। बुलंद दरवाजा गेट एशिया का सबसे बड़ा गेट है। इसका हाइट दे रखा है 155 मीटर राउंड से टॉप तक, नहीं 155 मीटर फीट, 176 फीट, 55 मीटर, 55 मीटर तो 176 फीट हो गया। और सामने जो देख रहे हैं ना, वो मॉस्क बना हुआ है सेम लाइक कॉपी ऑफ मक्का, जो मक्का के अंदर डिजाइन का मॉस्क है सेम लाइक यहाँ बना हुआ है। आज भी लोग यहाँ पे पार्ट टाइम का नमाज पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ वेस्ट साइड में। फ्राइडे टाइम में करीब 4,000 से 5,000 लोग आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। जो ईद का नमाज होता है ईद का करीब 20-25,000 आराम से लोग नमाज पढ़ सकते हैं स्पेस में बाकी साइड में। अच्छा, ये व्हाइट मार्बल का दरगाह देख रहे हैं, वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। अकबर के यहाँ से पहले पूरा जंगल एरिया हुआ करता था, फॉरेस्ट एरिया, जो ये है वाइट वाला, तो इनके आशीर्वाद से अकबर को लड़का मिला था शेख सलीम चिश्ती की दुआ से। तो आज भी लोग आते हैं अपनी मनोकामना के लिए, लोग वहाँ पे धागा वगैरह बांधते हैं। एनी काइंड पीपल मेक यू विश फॉर गुड लाइफ, गुड जर्नी, गुड हेल्थ, गुड बिजनेस। आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों को किसी भी तरह का वहाँ विश कर सकते हैं। वहाँ ट्रेडिशनल ऐसे होता है कि पहले वहाँ लोग चादर चढ़ाते हैं, कपड़े का जो चादर होता है वहाँ चादर पीस करते हैं। चादर चढ़ाने के बाद सीधा से वहाँ फूल डालते हैं और धागे को चादर से टच करने के बाद किसी भी जाली पर धागा वगैरह बांध सकते हैं। एक धागे से 3 मनोकामना करते हैं, 3 विश करते हैं, किसी भी तरह का लोग वहाँ पर विश कर सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद दोबारा यहाँ आना नहीं पड़ता है। कंप्लीट होने के बाद आप गरीबों को बाबा शेख का नाम लेकर खाना वगैरह खिला देते हैं। यहाँ ऐसा ट्रेडिशनल होता है, चादर वगैरह इवनिंग टाइम में होली मैन की फैमिली की तरफ से गरीब लोग वगैरह हो तो उनको डिवाइड कर दी जाती है, या उनको होली मैन के फैमिली के लोगों का ग्रेप्स है। बाहर की साइड में आदमी के लिए होता था, अंदर की साइड में लेडीज वगैरह का होता था, जो सिस्टम होता था ना पर्दे का, मेल और फीमेल अलग अलग। और ये नॉर्मल स्कूल चलता था किंग टाइम में, आज भी यहाँ पर स्कूल वगैरह चलता है वन साइड में, इस साइड में तो बंद कर दिया गया, वन साइड में आज भी स्कूल यहाँ चलता है। ये ग्रेव्स बेसिकली रॉयल फैमिली के हैं, नहीं नहीं होली मैन के फैमिली के, होली मैन की फैमिली, क्योंकि आज भी 17 जनरेशन के होली मैन के फैमिली के लोग यहाँ रहते हैं। बाहर की साइड में जो रंग महल है ना, मैं स्टार्टिंग में रंग महल, हिंदू रानी ने अपने लड़के को वही जन्म दिया था। सबसे पहले अकबर ने अपने रहने के लिए छोटा सा महल बनाया था रंग महल, वहीं अपने अकबर अपनी रानी के साथ में बाबा सिंह के साथ वहाँ रहते थे। वहीं अकबर अकबर की जो वाइफ थी हिंदू रानी जोधोबाई, जोधोबाई ने अपने लड़के को वही जन्म दिया था। अब उस बिल्डिंग को सिर्फ होली मैन के फैमिली के लोग यूज करते हैं, रहते हैं वो आज भी, आज भी 17वीं जनरेशन के फैमिली के लोग रहते हैं। 17वीं जनरेशन, हाँ, पूरा इनके अंडर में आता है ये पूरा सब कुछ, इसलिए यहाँ कोई एंट्रेंस टिकट वगैरह कुछ नहीं होता। अच्छा, लोग आते हैं चादर वगैरह पेश करते हैं। अभी हम दरगाह में जाएंगे। ये है बुलंद दरवाजा, एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा।
आजकल मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा है। जब आप बहुत ज्यादा घूम लेते हैं ना तो आपको लगती है भूख, और भूख एक ऐसे शहर में जो अनजान है। तो हमारे एक लोकल मित्र थे, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ एक बहुत मशहूर गली है जिसे कहते हैं चाट वाली गली, और ये है सदर बाजार में। तो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो मेरे को बिल्कुल पीछे ये चाट वाली गली है, और इसकी पहचान ये है कि इसके बिल्कुल सामने ये क्रीम बेल्ज की शॉप है। तो दोस्तों आज हम गए थे फतेहपुर और सीकरी। फतेहपुर और सीकरी हम शब्द एक ही कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली में फतेहपुर अलग है और सीकरी अलग है। फतेहपुर बेसिकली जो है वो एक रिलीजियस प्लेस है, और सीकरी जो है वो राजा का प्लेस है जहाँ अकबर अपनी रानियों के साथ रहता था, और उनके भी महल हैं वहाँ पे। तो आपको कुछ टिप दे दूँ, आप सुबह जल्दी निकलिए अपने होटल से या जहाँ से भी आ रहे हैं, आप फतेहपुर सीकरी के लिए जल्दी निकलिए। रीज़न बीइंग बिकॉज जब आप जल्दी निकलते हैं ना तो आप टाइमली वहाँ पहुँच जाते हैं, धूप कम होती है और मौसम ठंडा रहता है सुबह सुबह, तो आप जल्दी कवर अप करके और दोपहर तक वापस आ सकते हैं, और दोपहर के बाद जैसे भी आपका प्लान है आप अपने प्लान को कैरी ऑन कर सकते हैं। दूसरी टिप ये है कि जब आप अपनी गाड़ी वहाँ पार्किंग में लगा देते हैं तो आपको गाइड करना पड़ता है। तो जब आप गाइड करने की सोचें तो आप इंश्योर करें कि वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी से, जो उनका डिपार्टमेंट है टूरिज्म डिपार्टमेंट, उससे अप्रूव्ड हो। उससे फ़ायदा क्या रहता है, उनके रेट्स ना बड़े रीजनेबल होते हैं। जब आप बाहर से कोई अनअप्रूव्ड गाइड करते हैं तो वो आपको बीच में भी छोड़ के जा सकता है, वो आपकी गाड़ी अंदर तो करा देगा फॉर द टाइमिंग, लेकिन हो सकता है वो आपको जानकारी दे ही ना और बीच में छोड़ के चला जाए। तो आप जब भी गाइड करें आप इंश्योर करें कि वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, और कोशिश करें कि वहाँ से कोई भी आइटम ऐसा परचेज ना करें जैसे हैंडीक्राफ्ट्स है या कुछ है, क्योंकि जनरली वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलता है आइटम। तो शाम होने से पहले हम अपने होटल रूम में पहुँच गए थे, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया और कुछ एक थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, सदर बाज़ार गए थे, वहाँ पंछी पेड़े के पास से पेठा खरीद लिया, गज्जक खरीद ली मनोहर लाल जी की, जो साल में 12 महीने गज्जक बनाते हैं, और दाल मोठ ले ली। यस, तो अब थोड़ा सा थकावट भी है और आज रेस्ट करेंगे, तो अभी जाएंगे होटल में डिनर के लिए। 7:30 पे डिनर खुलता है। हाँ, 7:30 पे डिनर स्टार्ट होता है बेसिकली। तो चलिए अब डिनर पे मिलते हैं।